कि एल्विश भाई को फाइनली बेल मिल चुकी है, तो आई एम फाइनली हैप्पी फॉर माय ब्रदर कि भाई थोड़ी सी देर हो गई बट ही इज आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन। उन्होंने ट्रक तो पूरा सीज कर दिया, लैम्बोस फ्लैट बिल्ट पर थी, उन्होंने लैम्बो भी सीज कर दिया। अगर आज हमारी लैम्बो नहीं छुटी तो फिर हम लोगों की लैम्बो भी ट्यूसडे वेनेसडे छुटेगी। ओके गाइस, अभी हम लोग घुस रहे हैं स्टेडियम में एंड आई एम डैम श्योर कि यहाँ पर भीड़ होने वाली है, श्योर, क्योंकि लोग हमारी गाड़ी पहचान जाएंगे कि ओके गाइस निकल चुके हैं, हम लोग निकल गए हैं, लेट्स गो। ओके गाइस, हम लोग निकल रहे हैं स्टेडियम के बाहर से, हम लोगों ने रैना भाई को छोड़ दिया एंड पुलिस सिक्योरिटी चेक करो बाहर कितनी सिक्योरिटी है भाई, पुलिस वाले के सामने बोल रहे हैं रेफ करो। गाइस मैं आपको बता रहे थे हम लोग मरीन बीच की बात कर रहे थे एंड अभी हम लोग मरीन बीच ही घूमने जा रहे हैं, ये इसकी डिमांड है, इसकी डिमांड है गाइस, ऐसी जगह घूमने की मेरी डिमांड रहती है, सतीश जी उतर गए। ओके गाइस, 500 सालों बाद आप मुझे ऐसे घूमते हुए देख रहे होंगे बाहर, वो भी एक शूट के कारण, हम लोग चेन्नई थे एंड द थिंग इज मजा आया आज के शूट में। फिलहाल रितिका ने कहा मेरे को बीच घूमना था तो हम लोग बीच घूमने के लिए आए, दिस इज मरीन बीच एक्चुअली, मेरी रैना भाई से बात भी चल रही थी, फिलहाल अभी बहुत ज्यादा हवा चल रही है इधर, आई डोंट नो आपको ऑडियो आ रही नहीं होगी बट सिनेमैटिक एंजॉय कर। कश्तियों को साहिल मिल गया है, बहारे गुल खिलाए। तेरा बह जाओगी बताओ, अगर तुम बह गई ना यहाँ पर मैं बह, तो मेरे को तो स्विमिंग भी नहीं आती, समझ रही हो, सतीश जी को आती है, सतीश जी नहीं बचाएंगे। ओ देखो सतीश जी का, ये देखो यार, 90s वाले लौंडे जो फोटो खींचते ना इनकी ऐसी डीपी लगती है, ये देखो भाई ये सेम एंगल, ये देखो 90s वाली फोटो, कि हम लोगों को अपनी लैम्बो वापस से शिफ्ट करानी है दिल्ली, बिकॉज वी हैव गॉट नेक्स्ट शूट फॉर द IPL, सो वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, बहुत सारी चीजें चल रही है। आज तो सतीश जी के साथ हम लोग बीच घूम कर के आगे, सतीश जी की डीवी भी बदल गई होगी अभी तक, तो क्या बदल गई होगी, बट अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस वापस लैम्बो को शिप करवाने के लिए, लैम्बो का केवल आज का शूट था, गाड़ी यहाँ से वापस भेजनी है डेली, हम लोग आज इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि लेट मी जस्ट टेल यू द गुड न्यूज गाइस, हमारी MK4 दुबई से शिप हो चुकी है एंड MK4 इंडिया में रीच कर रही है 25 को बॉम्बे में, सो अभी हमारे यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाला है बॉम्बे, एक शूट है मेरा बॉम्बे में एंड वहीं से वहीं हम लोग फिर MK4 उठा करके सीधा घर लेकर के आएंगे और फिर राइड शुरू करेंगे। आई नो ये पूरी सीरीज बहुत खतरा गई है, फिलहाल के लिए लैम्बो को गोल्ड स्टार्ट करते हैं गाइस, और मैं आपको बता रहा था ना कि लैम्बो के असली रंग मैं रात को दिखाने वाला हूँ आपको, स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि कैसी लग रही आ रही है। ओके बॉयज, रात को मैं आपको ये जादू दिखा रहा था, चेक दिस आउट, वी हैव गॉट द फुल RGB लाइट्स गोइंग ऑन विद द लैम्बो एंड इस पे बहुत खतरा मोड्स है गाइस, ये चेक करो क्या मस्त लग रही है गाइस, क्या मस्त लग रही है, ये चेक करो बॉयज, दिस इज द होल येलो कलर, हमारी लैम्बो भी येलो एंड इसका कलर भी येलो एंड दिस वाज द थिंग जो मैं आपको बता रहा था, अभी ना इसकी रूफ लाइट भी चेंज होना बाकी है, फिलहाल अभी पार्क करते हैं गाइस अपनी लैम्बो को दिल्ली के लिए। बॉयज फाइनली लैम्बो पे डल चुका है कपड़ा एंड इट इज़ रेडी टू बी शिप टू दिल्ली, अगला शूट इसका दिल्ली का है IPL में, वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत बड़े बड़े कलाबरेशन है बट फिर यू नो गाड़ी का ट्रैवल को लेकर के थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हम इसे चला के नहीं जाना चाहते क्योंकि चलाने में फिर बहुत दिक्कत है, तो फिर इसे फ्लैट बेल्ट पे भेज रहे हैं, एक एक जगह का फ्लैट बेल्ट का खर्चा ऑलमोस्ट लाइक दो कितना 2.5 लाख था ना, एक जगह 250
एक शिपमेंट हमें 2.5 लाख रुपए की पड़ रही है, सोच रहे हो भयंकर 2.5 लाख ज्यादा की। बट कोई बात नहीं गाइस, स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर इन लाइफ, तो चीजें चल रही है। फिलहाल के लिए गाड़ी क्रेन पर डल चुकी है, अभी ये यहाँ से जाएगी वहाँ पर। सोचो भयंकर ये यहाँ से वहाँ पर जाने में भी 45 डिग्री में चेंज होगी, उसके बाद इट विल गेट शिफ्टेड टू द मेन ट्रक। एंड होप इस बारी भैया बोल रहे हैं कि 3 दिन में गाड़ी घर पहुँचा देंगे दिल्ली, मतलब फिर उसके बाद इसका एग्जॉस्ट और इसका सनरूफ का काम होना है गाइस, हम एक्सपेक्टिंग हो जाए। सो हम लोग अपनी लांबो को शिप करा करके पहुंचे ही थे। एक्चुअली मैं आप लोगों को बताता हूँ, सुबह हो चुकी है एंड रात को व्हाट हैपेंड, हमारा ट्रक निकला है यहाँ से, उसके बाद रात को जो ट्रक था वो एसटीओ वाले ने पकड़ लिया। एंड व्हाट हैपेंड, ट्रक के कुछ डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे एंड उन्होंने ट्रक तो सीज करा ही करा, अपनी लांबो भी उन्होंने सीज कर दी। गाइज मेरा तो ऐसा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा भाई मेरी गाड़ी के तो डॉक्यूमेंट्स पूरे कम्प्लीट है, अब जिस शिपमेंट से हम लोगों ने करवाई थी उस शिपमेंट के ड्राइवर के पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं थे एंड उसके डॉक्यूमेंट ना होने के कारण उन्होंने ट्रक तो पूरा पूरा सीज कर दिया। लैम्बो उस फ्लैट बिल्ट पर थी, उन्होंने लैम्बो भी सीज कर दिया। ऑलमोस्ट लाइक 3-3.5 करोड़ की पेनल्टी लगी है हमारी गाड़ी पे। तो मैं तो ऐसे ब्लास्ट आउट हो गया, मैंने कहा अरे हो क्या रहा है, क्योंकि गाइस वो मेरी पर्सनल गाड़ी है एंड हम लोगों ने IPL के शूट के लिए मंगाई थी वो। आज मेरा बॉम्बे भी शूट था यार, बॉम्बे शूट छोड़ना पड़ रहा है मेरे को अब, क्योंकि मेरे को अब यहाँ से जाना पड़ रहा है उस ऑफिस में गाइज अपनी लांबो को देखने के लिए कि कहाँ पर क्या सीन्स हो रहे हैं। उन्होंने किसी यार्ड में हमारी गाड़ी खड़ी कर रखी है, क्या ही बताऊँ गाइज, दिस वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड। मेरा तो दिमाग कैसे खराब हो रखा है, मैं कहा यार व्हाट हैज हैपेंड, ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, उस ट्रक के डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट थे तो उस ट्रक को सीज करना चाहिए था। क्या हमारी फ्लैट बेल्ट पे वो गाड़ी थी तो उसी पर थी, तो उन्होंने वो लैम्बो भी यार्ड में खड़ी कर दिया। फालतू का इशू हो चुका है गाइज, हमारा ना डेली भी शूट था, वो लैम्बो अब मुझे नहीं लगता कि 24 तक पहुंच पाएगी, क्योंकि आज सैटरडे है, फिर उसके बाद होली की 2 दिन छुट्टियां हैं, फिर मंडे भी ऑफ है, फिर ट्यूजडे खुलेगा सब कुछ, क्या ही बताऊँ, इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो गई है ना गाइज। फिलहाल के लिए इन सब चीज़ों के बीच देर इज वन गुड न्यूज़ ऑल्सो कि एल्विश भाई को फाइनली बेल मिल चुकी है, तो आई एम फाइनली हैप्पी फॉर माई ब्रदर कि भाई थोड़ी सी देर हो गई बट ही इज़ आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन। आई गेस अभी कुछ घंटों में कोर्ट का डिसीजन, जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उसको लेकर के थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट डीप डाउन आज हो ही जाएगा। बट उसमें भी यही कॉम्प्लिकेशन चल रही है कि अगर आज वो भी नहीं हुआ तो वो भी सीधा ट्यूसडे होगा, बिकॉज बीच में इतनी सारी छुट्टियाँ हैं। सेम गोज़ फॉर आर लैम्बो थिंग गाइज, अगर आज हमारी लैम्बो नहीं छुट्टी तो फिर हम लोगों की लैम्बो भी ट्यूसडे वेनसडे छुटेगी। एंड मेरे शूट्स थे, सब कुछ था, सब बैकअप पे हो चुका है यार, बट ट्रिप में कुछ उल्टा फुल्टा ना हो ऐसा क्या ही हो सकता है। फिलहाल अभी हम लोगों ने डिसाइड करा कि मैं, रितिका और सतीश जी जा रहे हैं गाइज, यहाँ से जा रहे हैं हम लोग उनके ऑफिस, उनसे पूछेंगे क्या सीन है। सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, क्या लगता है मालिक छूट जाएगी हमारी गाड़ी? छूट जाएगी, हमारे पास तो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं ना। एंड मैं आपको बताता हूँ, पेनल्टी लगा दी, मैंने कहा यार मेरी गाड़ी पे क्यों पेनल्टी लगा दी, वो ट्रक का डॉक्यूमेंट नहीं था, उस ट्रक वाले को रखो अपने पास। एंड द थिंग इज गाइस, वी हैव गॉट नो सपोर्ट फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एज वेल, जिससे हम लोगों ने वो ट्रांसपोर्ट कराई थी ना, अभी भी बस कॉल कॉल से आए जा रहे हैं। कॉल अटेंड करता हूँ फिर बताता हूँ आपको क्या सीन चल रहा है।